नहीं नहीं मेरा ये बेसिक वो ये क्या हुआ गाड़ी हमने ज्यादा गिरा ली। अच्छा अस्सलाम वालेकुम पाकव्हील्स, मेरा नाम है सुनील मानियो और पाकव्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी वीडियो में हमेशा ये अक्सर लोग मिलते हैं कि जी फलानी वीडियो आपने नहीं बनाई, फलानी नहीं बनाई, वो चैनल पर साल से पड़ी होती है। सो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी अपडेट जो है वो टाइमली मिलती रहेंगी। आज का जो रिव्यू है बड़ी वांटेड रिव्यू था और मेरा ख्याल है हुज़ैफ़ा सलीमी साहब हैं ये बड़े मशहूर आदमी हैं, मैं इनको मशवरा दूंगा इलेक्शन उलेक्शन लड़े क्योंकि अक्सर वीडियोस के नीचे लिखा था कि जी नार्डो का करें, नार्डो का करें। मेरे पास भी दो नार्डो ग्रे गाड़ियां हैं बट वो ये नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपकी गाड़ी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है और मैं आपको ये क्रेडिट मतलब अपना कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ कि जब से मैंने इस गाड़ी की तस्वीरें भी देखी थी मुझे तब से बड़ी पसंद थी और मैंने सोचा हुआ था कि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे बट सूनर लेटर वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, आ ही गया फाइनली आज। सो हुज़ैफ़ा क्या हाल है आपकी? ठीक है अलग शुक्र। अच्छा सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें जी। तो ये टोयोटा ग्रैंड है, ठीक है 2016 मॉडल। सही है। वेरिएंट इसका आप कह लें कि 2016 में मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट आया था बिकॉज मेरे पास 2016 से पिछली वाली है उसमें वो हाथों वाले एसी थे। जी जी बिल्कुल, ये डिजिटल कर दिया, थोड़ा सा कंट्रोल है उसमें एनालॉग था, हाथों वाला एसी भाई मैं इसलिए मेरा पेंडू आदमी टोयोटा वाला हूं। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो दो कट कर लेने। हाँ अच्छी प्राइस चाहिए। हाँ भाई तो अभी PakWheels पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो आपने 0 मीटर ली थी? नहीं सर मैंने सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड ली? कब ली आपने? ये मुझे 3 साल होने वाले हैं इसको। 3 साल मींस ये कोविड के दिनों में आपने ली? जी जी बिल्कुल। अच्छा और जो परचेज डिसीजन है वो क्या था, मतलब आप होंडा वाला लौंडा क्यों नहीं बने? आपने इतनी ये ड्रॉप की और ये सारा कुछ किया बिकॉज विजन में पहली चीज़ आती है कि जिसने गाड़ी बनानी है वो होंडा होगी, टोयोटा वाला मेरे जैसा पेंडू होगा जो शलवार कमीज पहन के निकलेगा। सो आप मेरा ख्याल है वन ऑफ द ऑड पीपल हैं। शुरू में हमारे ऑटो शोज में एक वहीं थी गाड़ियाँ, अब वो मुझे याद है आकिब मलिक हमारे एक मेंबर थे उनकी गाड़ी थी वाइट रंग की बड़ी प्यारी होती थी 2016-17 में आती थी। तो आपने ये फैसला टोयोटा वाला ही क्यों किया? सर मैं भी आपकी तरह पेंडू हूँ एक तो गाँव से बिलोंग करता हूँ और महीने मेरा चक्कर लगना होता है गाँव। सही है। तो एक डिसीजन जो है परचेज का इस वजह से था और दूसरा जो है वो बेसिकली था क्योंकि मैं टोयोटा लवर हूँ आपकी तरह। बिल्कुल गाँव जाना है तो ये था, दूसरा टोयोटा लवर है। ठीक है लवर। और ये आपने 2000 और आपने पहले से सोचा था कि मैं इस पे प्रोजेक्ट करूंगा कि बाद में? नहीं 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 बिल्कुल नहीं सोचा था, एवरीडे ड्रिवन के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह मेरा ख्याल ऐसी बना दी है कि जहाँ भी जाती होगी आई कैंडी कह सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट रेड इन कलर बट इस गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेती होगी। ऐसे ही सर बहुत ज़्यादा टेंशन। ठीक है अच्छा अब आगे डिटेल पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें भी इसमें लगी, इसमें अजीब शूशां की आवाज़ें आ रही हैं वो सारी समझते हैं आपसे। ये बताइएगा कि जब आपने ली थी तो कोई प्राइस बजट क्या था जहन में, उसमें कितने में आई थी न्यूज़ पे? बेसिकली मेरा 25 के अराउंड था बजट तब। तो तब उस टाइम में दो गाड़ियाँ ज़मानों में 25 लाख में ग्रैंडी आ जाती थी। जी 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 बिल्कुल। तो दो गाड़ियाँ थी मार्क एक्स और ग्रैंडी, दोनों में से एक लेनी थी। ठीक है। मार्क एक्स वाले से लोगों ने बड़ा ना डराया हुआ था। सही है। बहुत बड़ा इंजन है तो बड़ा ही फ्यूल एवरेज ख़राब है तो मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे तो आपके दोस्त ने भी आज आपको डरा दिया होगा आजकल। हाँ जी हाँ जी हबीब की हालत देखने के बाद कहते हैं ना वो पंजाबी कहते हैं ना कि दूध का जला जहाज को भी भूख के पीता है। तो अब तो मेरा ख्याल है किसी को भी मशवरा नहीं देंगे मार्क एक्स का। ऐसी है वो। अच्छा तो फिर आपने मार्क एक्स का कहा कि यार उसकी फ्यूल एवरेज और ये वो इश्यू तो टोयोटा ले लेते हैं। टोयोटा लेते हैं। वैसे भी मार्क एक्स मुझे जरा ना सनरूफ वाली चाहिए थी वो 300। लेकिन वो तब बजट से आउट हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन तब मेरे ख्याल से 32-33 में वो गाड़ियाँ लगी हुई थी। सही है। तब 2-2.5 साल पहले आज से। सो ये 16 का है टॉप ऑफ द लाइन ग्रैंडे जो कि मेरा ख्याल है ग्रे रिमो में आई थी 16 में और उसके अंदर ही आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ गया था। बिल्कुल ऐसी है। अभी ये जो गाड़ी की आउट अगर हम देखें आउटलुक तो इस पर जो फेसलिफ्ट लाइटें लगी हुई अगली पिछली है उससे भी अगली वाली लगी हुई राइट? जी जी उससे बाद एक फेसलिफ्ट आया है 17 के बाद जो है। जी और उसके बाद एक एक्स फेसलिफ्ट आया है 2020 में, ये उसमें हमने चेंज की है। ठीक है। अच्छा जब आपने ली थी 2019 में उसके बाद आज की पोजीशन पहुंचने में कितनी यानी आपने चेंजेस किए हैं? एक दफ़ा ही फेसलिफ्ट की कि 2-3 दफ़ा की और कैसे ये प्लान बना के चलो यार पहले तो आपने कहा नहीं मैंने गांव जाने के लिए ली नॉर्मल, तो उसके बाद इसको डेड ड्रॉप करके और इतनी खूबसूरत गाड़ी बनाने का कैसे जहन में आया आइडिया? ये इनिशियली तो मुझे वो शेप पसंद थी। ठीक है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता है GLI XLI की सारी शेप सेम आ रही है। सही है। हाँ जी। सिर्फ इंजन का डिफरेंस है, आगे सनरूफ ऐड कर दिया। जी जी। तो वो जो शेप थी ना एक आउटर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती थी। ठीक है। और मैं एक गांव से हूँ तो वहाँ पे गांव के लोगों को इतना डिफरेंस नहीं पता कि मेरा गुजरांवाला साइड पे। अच्छा ये कलर वाइट है? ये कलर व्हाइट है। अच्छा वैसे मैंने मोटरवे के ऊपर ट्रैवलिंग पे ना एक रूल बनाया, आप भी देख लीजिएगा। अच्छा व्हाइट कोरोला अगर है ना, आपने उसको लाइट दी उसने रास्ता नहीं देना, आपने उसको हॉर्न दिया उसने रास्ता बिल्कुल ही नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, उनके लेफ्ट से गुजारनी पड़ती है। तो आपने कहा कि यार मैं व्हाइट से हटना चाहता हूँ, तो रैप कब किया नहीं, सारी चीज़ें चलते गुजरांवाला में आपने बताया था डिफरेंस करना था, रैप सबसे पहले किया, मतलब मैं प्रोजेक्ट समझ जाना कि शुरू कैसे 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 सबसे पहले इसको हमने फेसलिफ्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले फेसलिफ्ट के बाद हमने एक तरह कोयल ओवर्स पे ड्रॉप करके देखा, क्योंकि मुझे नहीं था पता गाड़ी लो कैसे चलानी है, मैंने गांव भी जाना होता था साथ। सही है। तो कोयल ओवर्स पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वही गांव वाली कहानी कि गांव जाते हुए बहुत मसला होता था। और वैसे भी मेरा ख्याल है जो अभी स्मूथनेस मिल रही है राइड में वो कोयल ओवर पे ये नहीं, कोयल ओवर पे कर दिया बम बिल्कुल। अच्छा और जो फेसलिफ्ट किया था मैं इसलिए यूजर्स के लिए पूछ रहा हूँ, वो जेन्युइन वाला था चाइनीज वाला था, क्या कॉस्ट है उसकी? जी वो जेन्युइन वाला था, मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे बेसिकली। अच्छा आपकी गाड़ी 1.5 लाख में भी फेसलिफ्ट हो रही थी। ठीक है। और वही फेसलिफ्ट आपको 4 लाख में भी पड़ रहा था। आपने 4 वाला क्यों किया? 1.5 मैंने मिक्स किया बेसिकली, बम्पर्स और गार्निश और ग्रिल्स वगैरह जो है मैंने चाइना की लगा दी। लाइटें जेन्युइन, इसीलिए मैंने सवाल पूछा लाइटें जेन्युइन क्यों की थी, ये भी बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहा हूँ गाड़ी को, मैं नहीं चाह रहा इसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आए कल को, क्योंकि दूसरी लाइट होगी तो ऑब्वियसली या वो रिपेयर्ड होगी या वो चाइना की होगी। तो चाइना की लाइट का जो मेरा तजर्बा है मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ फेसलिफ्ट में जेन्युइन डालेंगे। अगर आपकी हाईवे ट्रैवलिंग है ना तो चाइना की लाइट शहर में तो ठीक है, लेकिन हाईवे में उसकी विजिबिलिटी शुरू में 1-2 महीने होगी, बाद में बिल्कुल खत्म है। ऐसे ही तो वो पैनिक वाइज बाउंड फुलिश होता है। तो आपने अच्छा किया, तो आपने उसको लाइटें जो है चाइनीज नहीं डाली, जेन्युइन डाली। चलिए जी फेसलिफ्ट होगी, उसके बाद रैप का ज़हन में कैसे आया था? रैप का नाडो के बड़े पुराना, मैं क्योंकि नाम भी आपने, अच्छा ये नाम इसका गाड़ी का नाडो नाम पड़ा है। और ये नाम कितने अरसे से है? और ये नाम रिसेंटली, अच्छा मतलब मैं पिछले कुछ 4-5 महीनों से YouTube पे थोड़ा सा आया हूँ। सही है। तो लोग देख रहे हैं, तो नाडो आपने नाम रखा जब आपने YouTube चैनल वगैरह शुरू किया। जी जी जी। इसमें भी हबीब भाई का कोई हाल तो नहीं, वो गाड़ियों को नाम देता था? नहीं नहीं थोड़ा सा था, लेकिन यह है कि नाडो के नाम से ये गाड़ी जो है ना मशहूर होगी, लोग इसको नाडो नाडो ही कहने लग गए। सही, इसका नाम हमने नाडो ही सिलेक्ट किया। अच्छा तो आपने रैप कराया, रैप कराए हुए कितना अर्सा हो गया? रैप कराए हुए इसको हो गए हैं तकरीबन 7 महीने। तो सबसे पहले फेसलिफ्ट हुई, फिर कॉइल ओवर डले, फिर रैप हुई, उसके बाद फिर आपने इसमें डाली एयर सस्पेंशन। उसके बाद एयर सस्पेंशन। और एयर सस्पेंशन वर्सेस एयर सस्पेंशन का खर्चा क्या है वैसे आपके पास? एयर सस्पेंशन का खर्चा मैंने क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर की थी। ठीक है। मैंने किसी पाकिस्तान के बंदे के थ्रू नहीं की। ठीक है। तो डायरेक्ट मुझे थोड़ी सी सस्ती पड़ गई, वो तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट मुझे एयर पूरे पैकेज होम डिलीवरी मुझे रिसीव हुई है। अच्छा हाँ जी। और इसमें कितनी फॉर्मेशन है और हाइट कितनी ऊपर से कितनी नीचे हो सकती है? ये स्टॉक हाइट से पहले थोड़ी सी और ऊपर हो सकती है। और इसकी जो फिटिंग में कितना टाइम लगता है? इज इट मुश्किल है कि आसान है? नहीं इतनी ज़्यादा कोई बोल्ट ऑन ही होती है बेसिकली। ये थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ था। ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी अल्ट्रेशन मुझे करनी पड़ी थी इसमें। अच्छा वो क्या? फिट करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से उन्होंने भेजी एक ना बिल्कुल ही स्टॉक हालत का एक पूरा सस्पेंशन उन्होंने भेज दिया। ठीक है। तो मुझे इसके जो माउंट्स होते हैं, सही है, वो चेंज करने पड़े जो टोयोटा के हैं वो मुझे लगाने पड़े। और जो उसका शॉक था बेसिकली जो पाइप सा होता है जिसके ऊपर बलून फिट होते हैं, वो बहुत लंबा था, गाड़ी को प्रॉपर हम ड्रॉप नहीं कर सकते थे। ठीक है। बिल्कुल जो कहते हैं ना ज़मीन के साथ नहीं लगा सकते थे, तो वो थोड़ा सा काट के उसको छोटा करना पड़ा, वो सीन थोड़ा सा करना पड़ा। और ये कहाँ भाईजान दुआ मांग रहे थे तो चले ना जाए, मांगते कबूल ना हो जाए, कर रहे हैं भाई दुआ मांगते मांगते कबूल ना हो जाए। अच्छा तो इसके जो ये बेसिकली आपने ऑर्डर किया था, ये कौन सी कंपनी से किया? ये सऊदी अरब में कंपनी है लो राइडर के नाम से। अच्छा। ये वो एयर सस्पेंशन। और ये हर गाड़ी के लिए अलग होती है कि वन साइज फिट ऑल वाला है कि उसको फिर ऑल्टर खुद करते हैं? ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस आपके थोड़े से वो शॉक्स डिफरेंट होंगे, उनकी बेसिकली माउंटिंग जो होती है वो डिफरेंट होगी। तो वो आपको यहाँ बनाना पड़ा? वो यहाँ बनाना। सो ओवरऑल 3 लाख और ऊपर मेरा ख्याल है, अगर लोकल का लगा ले तो लाख रुपये ऊपर लग गया? नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं, 15-20 हज़ार में उसने वो फिटिंग के समेत वो थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी वो। अच्छा ये गुजरांवाला वाला है, इसके करीब करीब लोगों के अंदर को मैंने देखा है नॉर्मल हाइट पे गाड़ी के खुश नहीं रहते, क्या वजह है? ये सारी जो ड्रॉप गाड़ियाँ हैं ये टेढ़ी मेढ़ी ट्रिम टायर गुजरांवाला से क्यों शुरू होते हैं? गुजरांवाला से शुरू होते हैं। मेरा ख्याल है नॉर्मल गाड़ी वहाँ जाती है तो वैसे ही टेढ़ी होती है, उन्होंने कहा टेढ़ी कर ली है, वो GT रोड की हालत ऐसी है ना जरा तो। अच्छा नहीं क्यों, मैंने जनरली नोटिस किया कि रिसेंटली काफ़ी गाड़ियाँ गुजरांवाला से जो है वो बड़ी अच्छी आई हैं, सिविक एक्स आई थी, अभी नवी 11th जनरेशन सिविक जो थी वो आई थी, और भी गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। एंड आई मस्ट से कि आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा ये कर दिया। अच्छा मैं इस चीज़ इसमें डिफरेंट देख रहा था बाकी गाड़ियों से कि बाकी लोग जितनी ड्रॉप करते हैं जितने तैयार करते हैं ये तो उसके पहिए टेढ़े कर देते हैं। जी जी जी। कैम्बर कर देते हैं और दूसरा उसमें डीप डिश डाल देते हैं। डीप डिश डाल। आपने ये दो हरकतें नहीं की? मैंने नहीं की। मुझे क्या वजह? मुझे मेरा इस गाड़ी को लेके गोल जो है ना वो बेसिकली ऐसा था कि मैं उसको बड़ी सोबर और डिसेंट सी गाड़ी रखना चाहता हूँ, कि एक तो इसमें कोई फैंसी रिम नहीं लगाना, ये जो रिम है उसको लगा हुआ है 17 इंच, ये बाहर की गाड़ी का थाईलैंड मॉडल कोरोला का रिम है। ठीक है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ वो डीप डिश नहीं है और अपना स्टॉक जो जेनुइन वहाँ पे आता था थाईलैंड वो ही है, तो वो टोयोटा लेन और कोरोला लेन में इसको रखना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो इधर उधर के रिम्स मुझे पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कैम्बर कर देते हैं और वो जो है ना बड़ी बहुत वाइड हो जाती है गाड़ी, वो मेरी ज़रा चॉइस से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक हो गया मैंने इसको। तो ये भी प्रोजेक्ट जो आपने किया ये इसमें कंटिन्यूस इटरेशन आई जा रही है, अभी आगे और भी कोई विशलिस्ट में चीज़ शामिल है कि अभी कंप्लीट है? नहीं नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी थोड़ा सा इंटीरियर को हमने कुछ देखना है। ठीक है, और उसके बाद इसके इंजन की परफॉर्मेंस का कुछ सोच रहे हैं अभी, वो जब मर्जी और ड्रॉप करने हमारे पास रिमोट है, हाइट कंट्रोल रिमोट का लगाया है आपने, ये साथ इसके की के साथ है। हां जी, ये थोड़ी सी इसमें कमी है कि ब्लूटूथ वाला इसमें फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ना बहुत बेसिक किट है, सबसे बेसिक और सस्ती किट है ये। सही है, तो यार बेसिक सही रहती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने हाइट कंट्रोल लगाई, मैं तो उसमें भी परेशान हूँ बिकॉज पुरानी मर्सिडीज या क्रूजर जब कोई ले रहा था ना तो मैं कहता हूँ यार बगैर हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी लेना, क्योंकि वो उसके हाइट के बैलून्स कभी एक्चुएटर बाद में पुराना खराब हो जाते हैं और वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, मिलते नहीं है फिर। अच्छा, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने टीपीएमएस भी लगाया हुआ है। टीपीएमएस लगाया हुआ, ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे। अच्छा, मुझे अक्सर नहीं समझ आती, बिल्कुल सही काम करता है। एक दो डिजिट का इसका शायद फर्क होता है, लेकिन फिर भी जब हवा आ जाए ना थोड़ी सी नीचे, कोई 24 पे 22 पे पहुंचे तो वो बता देता है फौरन कि यार ये बरवाल हो जाए। तो ठीक है। अच्छा, ये तो आपने सारी इसकी मॉडिफिकेशंस की, अगर वैसे जनरली देखा जाए एज अ कार इसको अगर आप नॉर्मल ड्रिवन पे चलाते हैं, गुजरावाला लेके जाते हैं, तो बड़ी फील के अगर आप आज इतने 3-4 साल बाद आप सोचते नहीं कि यार मैंने ये ली, इसे बेहतर मैं सिविक ले लेता? नहीं नहीं सर, सिविक भी मैं लेके गया हूँ, मतलब मैंने 1-2 दफ़ा वो चलाई है गाँव के रास्ते, लेकिन वो मज़ा नहीं कराती जो ग्रैंडी की मज़ा कराती है। अच्छा, अच्छा, जो इसका रैप है उसके बारे में थोड़ी बहुत सवालात मेरे जहन में भी हैं और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो भी करते हैं, मैंने भी 1-2 गाड़ियाँ की इसी तरह। वो तो आपने रैप जो चूज़ किया था ये चाइनीज़ है, एक बहुत महंगी कंपनी है मैं नाम नहीं लूँगा, वो है, ये चाइनीज़ है। चाइनीज़ है, और क्या कॉस्ट करती है रैप की? ये कॉस्ट जब मैंने लिया था तब पाकिस्तान में ये नहीं था किसी के पास। ठीक है, मतलब 1-2 गाड़ी शायद हुई थी, लेकिन सही है वो ये रैप ये कलर का किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, मतलब मैं पूछता था जाके हाल स्टॉक सोनाटा में भी आता है, वो थोड़ा सा थोड़ी सी शेड डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी और शेड है। ठीक है, तो ये कलर जो है ना बेसिकली तब जाके मैंने क्या बात, जब आपने ढूंढा था तो यानी आप कह रहे किसी ने नहीं कराया हुआ था? किसी ने नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो आपने कराया और इसकी क्या कॉस्ट है? शायद 1-2 गाड़ी हुई हो, क्योंकि इस बात पे ना मेरे चैनल पे अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि आप फर्स्ट नार्डो ग्रैंड। नहीं, मैंने तो आपकी गाड़ी देख के कराया था, मैं आई एल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने एक प्राडो कराया 97 का और एक विगो कराया जो मैं रैली में भगाता हूँ, दोनों के ऊपर सेम कलर है और आपकी गाड़ी देख के कराया था। मैं भी झूठ बोलूँ सर, ये बड़ा खूबसूरत कर रहा था, और जब बोल के आया था एक लाइट सा था एक डार्क था, तो डिसीजन में भी तकरीबन आधा दिन लगा था कौन सा कराना है। ऐसे ही बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलर है, मतलब इसकी दिन में शेड एक बड़ी लाइट सी है, जैसे ही रात शाम और बड़ी डिसेंट लुक आती है। कई लोगों ने रैप किया होता है, वो रैप के काम और रेप ज्यादा हुआ होता है गाड़ी के साथ, वो अजीब सा रैप होता है। अच्छा, तो ये क्या कॉस्ट किया आपको? ये मुझे तब कॉस्ट किया था अराउंड 50,000, 45 to 50 विद इंस्टॉलेशन। विद इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये एक और जेन में सवाल आता है कि मैंने देखा कि टाइम जब गाड़ी ज़्यादा साफ़ होती है, मुझे बीमारी है गाड़ी धोने की एयर करने की, तो जो कोने हैं, जो लॉक्स की जगह हैं, लाइटों के पास से या डिग्गी के कोनों से रैप उतरना शुरू होता है, उसका क्या हल करते हैं? उसका हल अभी तक तो इस गाड़ी का रैप जो है ना जिन्होंने किया है बड़ा अच्छा किया है, मतलब कोने बेसिकली उन्होंने अच्छे कवर किए हैं। सही है, एक दफ़ा बाइक वाले ने मुझे वो साइड पे राइड दी थी। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हो गए नहीं, जिंदा है वैसे भी, जब जन्नत नसीब करे और जल्द करे वाली दुआ है कि उसके लिए अच्छी दुआ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे कराना बड़ा चेंज। बाकी ओवरऑल कोनों से कोई इतना खास इसका अभी तक निकला नहीं है, मैंने बहुत केयर की है इसको, पूरी गर्मियाँ मैंने इतने मोटे कवर में ढक के रखा है। अच्छा, तो हाँ, गर्मी एक तो कलर है, दूसरा जो हमारे इंस्टॉलर भाई है ना, जी, जी, उनको एल्फी से बड़ा प्यार है। एल्फी से जहाँ कोना होता है ना वो एल्फी पिलाते हैं, मैं तो कहता हूँ चले लग गया, जिस दिन ये उतरेगा उस दिन क्या होगा वो देखने वाली हाल है। हाँ जी, वो तो ये आपने इस बारे में सोचा? मैंने वैसे अपने जहन में सोचा है कि जो भी रैप है बिकॉज चाइनीज़ है, इसकी जो है ना ग्लू थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज अपोज टू 3M या दूसरे जो है, तो मैंने ये सोचा यार 1 साल बाद उतार के ना एक दफ़ा गाड़ी को दोबारा स्लैश करके फिर दोबारा लगा लें। तो आपको कितनी देर हो गई लगाए हुए? मुझे तकरीबन 7 महीने। हाँ, तो मेरा वैसे आपको मशवरा ये होगा कि थोड़े अरसे बाद उतार के ना, जी जी, ये ना पता लगे कि जो अपने वाले भाई थे वो भी एल्फियाँ पे ला गए और बाद में फिर वो उतरे ना मसला हो जाए। मैंने एक्स्ट्रा पूरा रोल ला के रखा हुआ है। नहीं, रोल का मसला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी के जो नीचे पेंट है ना, जी जी, उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज वो ऊपर लगी हुई तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसके लॉक हैंडल्स हैं और ये सारे पार्ट हैं, ये उतार के किया था? ये उतार के इसको पेंट कर दिया था, क्योंकि इनके ऊपर रैप नहीं। हाँ, उन पर रैप नहीं, शीशों के ऊपर नहीं रुकता। जी जी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो सारी पेंट है। सही। अच्छा, जो अभी आप कह रहे थे कि इसमें फ्यूचर प्रोजेक्ट में और कोई चीज़ें आने वाली, वो क्या क्या है? उसमें सबसे पहले इंटीरियर को करना है कुछ थोड़ा सा। ठीक है, इंटीरियर में क्या करेंगे? ऑल ब्लैक। एम्बिएंट लाइट कोई नहीं है? हाँ जी एम्बिएंट लाइट नहीं है। ब्लैक तो बड़ा करना इजी है, मेरा ख्याल है अगर इसको स्प्रे भी करा दीजिए ब्लैक। मैं असल में सोच रहा था ये हर चीज़ ब्लैक, छत पिलर। मैंने अपनी हमर का ना पिछले दिनों कराया, एक तो छत के ऊपर ब्लैक स्वेड लगवा दिया था मैंने, बाकी जितने प्लास्टिक पार्ट थे उन सबको ब्लैक पेंट कर दिया, तो बड़ी चीज वो एकदम नई लुक आई, बिल्कुल ब्लैक। थोड़ा सा सीटें शीटें हर चीज़, क्योंकि उसको व्हाइट को सफाई का भी बड़ा मसला रहता है। अच्छा इसकी लेदर भी जेन्युइन है ना? हाँ जी हाँ जी जेन्युइन लेदर। इंटीरियर तो मैं देख रहा हूँ मोस्टली ज़्यादातर जेन्युइन है गाड़ी का, आपने कुछ चेंज नहीं किया खास? कुछ भी चेंज नहीं किया। और साउंड सिस्टम का कोई शौक है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मेरा ख्याल है ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन इन्होंने यूनिट दिया था। हाँ जी हाँ जी अब वालों में तो नया आ गया। हाँ जी अब नया आ गया। आपने इसको चेंज नहीं करने की कोशिश की? अभी तक नहीं की, अभी सर बाहर से अंदर नहीं पहुँच जा रहा। अब वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी बिल्ड करना जो है तो जेब पे बड़ा हैवी होता है, आहिस्ता 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 इंसान को करना पड़ता है, एक दिन में नहीं कर सकते आप ये सारा कुछ एक दिन में कर लिया। अच्छा इसमें जो रिम है वो 17 के हैं, 17 इंच, और हाइट आपने जो कहा कि एडजस्टेबल। कितना को टाइम लगता है, लेट्स से अगर अभी आप जा रहे हैं और आगे वो कार ब्रेकर टाइप ब्रेकर रहता है तो आप रुक के पहले ऊपर कर लेते हैं कि गुजार? नहीं जाते, अब प्रैक्टिस हो चुकी है ना रिमोट की, पता है कहाँ पे बटन है, चलते में भी हो जाती है 2-3 सेकंड, जब मर्जी इसको जैसे मर्जी आप सेट कर लें। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ। अच्छा और इसकी जो ये रिलायबिलिटी है, या अगर ये ख़राब हो जाए तो कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मैं पंगा तो ले रहा हूँ, ये दोबारा हुआ तो फिर क्या कहाँ से करूँगा? इसमें प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से 2 ही आएंगी, या तो इसका बलून लीक होगा या वैसे कोई पाइप लीक होगा, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है इजीली, वो कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। हाँ आपकी किट रिमोट किट होती है साथ, वो ख़राब हो सकती है, या कंप्रेसर सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिलता। कंप्रेसर का रोला है कि वो अगर ख़राब हो गया तो फिर ज़रा मसला। अच्छा ये गाड़ी की जो स्टेबिलिटी के इशूज़ हैं ये गाड़ी की हाइट से भी रिलेटेड होते हैं, तो जितने पंगे लेने के बाद गाड़ी अगर हाईवे पे जा रहे हो तो स्टेबल है? ब्रेक श्रेक ये मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा स्टेबल है, लो करके तो अब ज़्यादा स्टेबल है। जी 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 बिल्कुल। और ये चल कितनी गई अभी तक? ये सर ऑलमोस्ट 1 लाख होने वाली है। ओहो 200 किलोमीटर है ये बस, ये बात 1 लाख है। और रिम का जेन्युइन साइज 16 था, आपने 17 कर दिया? हाँ जी, मुझे बेसिकली वो रिम पसंद थे लेकिन वो बहुत छोटे थे इस बॉडी के लिहाज से ना, जब गाड़ी ड्रॉप होती है वो थोड़ी सी वाइड हो जाती है। बॉडी किट के साथ वैसे भी अगर जब छोटे रिम लगे ना ऐसा लगता है कि सूट पहन ली और नीचे चप्पल पहनी हुई ऐसे ही, तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉडी किट के साथ फिर बंदे को सारा थोड़ा बेहतर चेंज कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो 18 में ढूंढने चाहिए मैंने। ठीक है, मैं कैमरी के रिम्स का, कैमरी का बेसिकली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो औकात से बाहर है वैसे। मसला ये कि रिम जितना बड़ा करी जाएंगे टायर उतना छोटा होगा, वो हर गड्ढे पे भूलेगा फिर वो ऑब्वियसली। वो कितने को सेट चेंज करा चुके हैं अभी तक? ये पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट साबित ना हो जाऊं आपके लिए, आप कहेंगे बहुत इसलिए कहा था ये साथ ही हो गया। बहुत बचा के केयरफुल चलाता हूं। अच्छा वैसे फ्यूल एवरेज क्या देती है? सवाल तो नहीं बनता लेकिन चलिए पूछ लेते हैं, कई चीजों में नीचे लिखना है। 11-12 में मुझे दे रही है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर? हां जी बेहतरीन है, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, कोई चीज जो मिस करते हो गाड़ी में या आप कहेंगे यार अभी मैंने अभी ये लाजमी ये चीज करनी है? मेरा नहीं ख्याल, कोई चीज़ मिस नहीं। आप नहीं कहते इसके पीछे टायर ऐसे हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ये जो एक इसका डैशबोर्ड व्यू है ये थोड़ा सा है कि तरह ना बोरिंग हो गया है, स्ट्रेट बोरिंग हो गया थोड़ा सा। तो लेकिन इस गाड़ी को चलाने का पेंट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो थोड़ा, हाँ बिल्कुल, वो एक नई लुक बन जाएगी और वो फिर जो है ना वो दिल लग जाएगा इसका दोबारा। सही 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 सही। नहीं नहीं मेरा ये बेसिक वो ये क्या गाड़ी हमने ज्यादा गिरा ली। अच्छा तो जरा ये सरप्राइज अक्सर मिलता रहता है। हाँ ये चलता रहता है रोज का पार्ट ऑफ द गेम है। हाँ जी ऐसे ही, ये क्योंकि इस पे बस ये देखना ये एक फीचर मिस है। अच्छा घर वाले नहीं कहते कि यार क्या पंगा लिया है? मैं तो बचपन से ये देख रहा था कि गाड़ियों के बारे में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस घर वालों से मिलती है। कहते हैं कहते नहीं है कि पंगा लिया, सीधी गड्डी नहीं है, ना पेरेंट्स चला सकते हैं ना और कोई चला सकता है, होता है ऐसा सूरत हाल? मैं सर जब कभी माँ जी को अबू जी को लेके जाना होता है इधर तो मैं कोई गोल गाड़ी लेके जाता हूँ। कहते हो ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से ना जंप लगे। अभी तो स्ट्रेट रोड है ना तो आपको बड़ी ईजी लग रही है। सही है, थोड़ा सा रोड अनइवन आएगा तो ये जरा आपको जंप कराएगी थोड़े से। नहीं दूसरा था तो शीशों पे भी होता है बड़ा बुजुर्गों का, क्या पता नहीं की कितना है, फैमिली के लिए नॉट रिकमेंडेड। सही है। तो अच्छा बड़ा सवाल ज़हन में अच्छा आ गया, तो यू ड्राइव इज एवरीडे कार या वीकेंड वगैरह पे निकालते हैं नॉर्मल? नहीं ऑलमोस्ट एवरीडे। अच्छा लाहौर की ट्रैफिक के मनूवर कैसे करते हैं? मेरा तो दिल लटका रहता है गाड़ी चलाते हुए कि यार ये जरा नाइट गाइस हैं हम, जरा जब 11 बजे के बाद ट्रैफिक कम, फिर आपका फार्मूला सही है, रात 10 बजे से पहले तो लाहौर शहर में गाड़ी चलाना जो है वो आपकी अपनी सेहत के लिए और गाड़ी के लिए और ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, वो अवॉइड करते हैं दिन में बाहर ना ही निकलें। सही। अच्छा कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई ऐसी तारीफ जो कभी आपको याद आई हो कि यार बिल्कुल हर लोग गाड़ी को देख के कहते हैं कमाल है, कोई नेगेटिव बात आपको मिली हो कि आपने कहा यार इस बंदे ने कहाँ से सोची है? लोग अक्सर इट्स जस्ट अ कोरोला, और या फिर बाहर के मुल्क में टैक्सी चलती है, वो ये अजीब सी बात करते हैं कि बाहर के मुल्क में टैक्सी चलती है। तो और कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको कहा हो कि यार मज़ा आ गया पैसे पूरे कर दिए? सर कॉम्प्लीमेंट्स मोस्टली मुझे इसकी जो है ना इसकी जो एक ओवरऑल लुक है, पहले कलर नार्डो ग्रे, और उसके बाद इसकी ओवरऑल लुक जो बहुत डिसेंट है, यानी कोई ओवर एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मैंने नहीं लगाई हुई। नहीं भाई, मैं कहता कि अच्छी बात है क्योंकि कई लोग जो है ना वो तो उसको मॉडिफिकेशन की दुकान बनाते हैं कि उन्होंने दुनिया की हर चीज़ उसी गाड़ी पे करनी होती है, बट आपकी गाड़ी अलहमदुलिल्लाह बड़ी डिसेंट है उस लिहाज से। बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा था। सही। तो और आप जो है मतलब अगेन आप लोगों का कोई हिस्सा, मैं पिछले दिन जैसे कैम्बर गैंग है, एक लोड गैंग है, आप भी किसी गैंग का हिस्सा है कि आप अकेले गैंगस्टर हैं? हमारा सर ये एक ट्रायो है आजकल चल रहा है काफ़ी। ठीक है। इसमें रूडी है अभी भाई, और एक मीना है रेड गाड़ी। अच्छा। हसन भट्ट की, और उसके बाद नार्डो। ये मीना वही है जो पहले दिनों सड़क पे शोले निकाल रही थी। तो दिल पे कुछ नहीं होता सर, वो दिल पे होता है लेकिन बस वो करना होता है, वो एक तरह का इश्क है। गाड़ी से तो नहीं है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ फिर इससे यही है कि लोग देख रहे हैं। मेरा खुद सर दिल्ली में आता, मैं देख के गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं उनको जाके यार इसको थोड़ा ऊपर कर लें। तो सही, चलें व्यूअर्स ये था आज का व्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और वो लोग जिन्होंने नीचे काफ़ी इधर से लिख रहे थे कि नार्डो ग्रे नार्डो ग्रे नार्डो ग्रे नार्डो ग्रे आ गई जी, और फाइनली हमने हुज़ैफा साहब को पकड़ लिया और उनका रिव्यू भी ले लिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हुज़ैफा भाई का चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है नार्डो के बारे में मज़ीद अपडेट जो है मिलती रहें। और ये जो टूर करते हैं जिन्होंने ट्रियो बनाया है जिसमें एक गाड़ी इनकी जो सड़क की मेरा ख्याल है वो चेक करती है कि किसका लेवल सही है किसका नहीं है, और एक इनके जो हमारे दोस्त हैं हबीब वो हमारे लिए हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट बन रहे हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, तो वो भी अगर आपने सीखनी है तो वो भी देखते रहिएगा। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।